बीपीएससी ने बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरू। पहले ही दिन 2,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने कराया पंजीयन। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अपने ही क्षेत्र में पहुंचने पर उनके सामने लोगों ने लगाए मोदी मोदी और बीजेपी जिंदाबाद के नारे। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव अपने गाड़ी से उतरकर लोगों का अभिवादन करते हुए आ रहे थे नजर, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ युवकों ने उनके सामने ही मोदी और बीजेपी जिंदाबाद के लगा रहे थे नारे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। वैशाली जिले के राघोपुर के बिदुपुर स्थित चेचर गांव में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे तेजस्वी यादव, जहां उनके सामने ही लोगों ने लगाए मोदी जिंदाबाद के नारे। बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के मंत्री पद से इस्तीफा के बाद आज राज्यपाल ने रत्नेश सदा को मंत्री पद की दिलाई शपथ। रत्न सदा सत निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं नीतीश सरकार में नए मंत्री बने रत्नेश सदा, एक बार फिर नीतीश कुमार का नाम आते ही हो गए भावुक। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मेरे लिए भगवान है, उनका नाम मत लीजिए। जिस विश्वकर्मा का नाम लिया के नाम पर जाता है। उनका नाम महागठबंधन से अलग होने के बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी अब खुलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कर रहे हमला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश कुमार पर जमकर बरसे जीतन राम मांझी। वहीं जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जा सकते हैं और तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनाएंगे, उन्हें अंगूठा दिखा देंगे। जीतन राम मांझी के महागठबंधन से अलग होने पर खुलकर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए थे, इसलिए हमने उन्हें कहा कि अपनी पार्टी को मर्ज कर लीजिए, नहीं तो अलग हो जाइए। तो एक बात सबको मालूम था कि जहाँ कहीं भी बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, हम मिल करके फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विपक्षी एकता में जीतन राम मांझी को नहीं बुलाने के सवाल पर कहा कि हम लोग जानबूझकर उन्हें नहीं बुलाए, क्योंकि वे अंदर की खबर बीजेपी वाले को दे देते। तो अभी मीटिंग होने वाली है हम लोग की, आप जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो भी चाहते थे कि मीटिंग में हम रहे, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती, तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए नहीं तो अलग हो।